तो गाइस चलो यात्रा शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की। गुड मॉर्निंग गाइस, वेलकम टू राज। तो गाइस आज के ब्लॉग में आपका बहुत बहुत वेलकम है। और आज आपको बताऊं आज, अच्छा ठीक है, हो गया कितनी किस करेगा तू, चलो हो गया बस, बाबू ज्यादा नहीं दिखाते होते, नजर लग जाती है फिर बोलेगा अक्षय कितना करता है पापा को लाडी, बस कर और छोड़ यार, बस यार बैठ जा यार तू। तो गाइस मैं और अक्षय निकल रहे देवी तलाब मंदिर के लिए, क्योंकि जैसे कि अभी चल रहे श्राद्ध, तो श्राद्धों में वहां पे कितनी भीड़ भाड़ है और क्या कुछ चल रहा है वो सब चीजें आपको दिखाएंगे। मेरे को लगता है कि शायद आजकल भीड़ कम होगी, जो भी होगा चलो चलते हैं देखते हैं देवी तलाब मंदिर का क्या हाल चाल है, और फिर बाद में नवरात्र में भी हम जाएंगे, लेकिन अभी एक रोड मार के आते हैं क्योंकि वैसे ही घर पे बैठे हुए थे। तो मैं और अक्षय निकल रहे हैं देवी तलाब मंदिर के लिए। वेरी गुड, क्या कलर है? एक जगह से यहाँ से ब्लू है और यहाँ से ब्लैक। तो चलो फिर हम आ रहे, ठीक है अक्षय आ जा, और भाई यहाँ पे ना बारिश भी शुरू हो गई। हम निकल चुके हैं देवी तलाब मंदिर के लिए और सनसेट हो रहा है, कितना प्यारा लग रहा है। बस स्पीड लिमिट 40 कर ले पापा, 40 स्पीड करो, हमें स्पीड लिमिट 40 करना है। मैं और अक्षत बाबू आ चुके हैं देवी तलाब मंदिर में, कुछ कहीं था हाँ, मैं मम्मा पापा मामू आए थे और गाइस हाँ आए थे बेटा। तो गाइस ये पूरी यहाँ पार्किंग ही पार्किंग भरी होती है, लेकिन आज देख लो थोड़ा कम है, बहुत कम लोग हैं। ये रहा मेरा अक्षत बाबू, मैं भी खेल रही हूँ। हाँ हाँ खेलेंगे बेटा। तो गाइस आप देख ही सकते हो कोई खास भीड़ नहीं है, चलो आज आराम से मत्था तो टेक हो जाएगा, इतना जरूर है। तो गाइस आपने देख ही लिया भीड़ तो कुछ खास नहीं है, चलो आराम से माथा वाथा टेकते हैं। तो गाइस हमने अपने शूज़ उतार लिए और उतार के जा रहे थे इधर, क्योंकि ये मंदिर है ना तो इसके आगे से शूज़ लेके नहीं जाएंगे। अक्षय आ जा पहले शूज़ जमा कराएंगे बाबू, आ जा। और ये यहाँ की लोकल दुकान है जहाँ से आप प्रसाद भी ले सकते हो। तो गाइस शूज़ तो हमने जमा करा दिए, चलो हम भी मत्था टेकेंगे आपको भी टिकाएंगे। मैं मानता हूँ कि अगर आपने कहीं घूमने जाना ना तो अच्छी जगहों पे जाओ, धार्मिक जगहों पे जाओ, उससे क्या होता है कि एक तो अच्छी जगह देखो जाती है और घूमने का घूमना हो जाता है। और अक्षय को तो बहुत अच्छा लगता है। और आकृति पूजा को मैं तोड़ लेके आया क्योंकि आपको पता है कि ना मोटरसाइकिल पर अभी चार चार लोग हम ज़्यादा मतलब ज़्यादा लोग हो जाते हैं तो फिर वो रिस्क हो जाएगा, इसलिए मैं उनको नहीं लेके आता हूँ। और ये यहाँ का शिव मंदिर, हाँ आ जाओ, यहाँ पे बोट भी लगी हुई है सफाई करने के लिए। कैसा लग रहा है देवी तलाब मंदिर में? अच्छा लग रहा है। अभी जब ये ब्लॉग आकृति देखेगी ना, आकृति को कहेगी मैं क्यों नहीं गई, और शाम के टाइम में तो बहुत मजा आ रहा है। अब धीरे धीरे भीड़ बढ़ रही है गाइस, लेकिन नवरात्रों के मुकाबले तो बहुत भीड़ कम है, नवरात्रों में तो बहुत भीड़ हो जाती है। तो चलो अब मंदिर टेकेंगे, ये मेन मंदिर है, यहाँ पे माथा टेकेंगे अभी। आपको ना अभी मंदिर के दर्शन कराते हैं, मेन माता रानी का मंदिर है। तो गाइस अक्षय को प्रसाद मिल गया है ना अभी। गाइस यहाँ पे ना मंदिर तो बहुत ज्यादा है दर्शन करने के लिए, तो चलो जितने मंदिर हो सकते हैं आपको दिखाएंगे। तो गाइस यहाँ पे नवरात्रों की तैयारी चल रही है, पॉलिश पुलिश हो रही है, यहाँ पे तैयारी कर रही है सारी की सारी, फोटो साफ सफाई चल रही है। तो मेरे पास ये है मंदिर माँ काली का। आजा
जो शिवलिंग देख के ना मेरे को याद आ गया कि जो अपना हरिद्वार में नीलकंठ महाराज का मंदिर है ना, वहाँ पे बिल्कुल सेम टू सेम शिवलिंग है। आजा पुत्र। कुछ भी हो बहुत ही ज़्यादा आनंद आता है जब हम ना मंदिर वगैरह आते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है यहाँ पे आके। शीतला माता देवी का मंदिर है, देखिए अक्षयथर मंदिर में जाता है। चलो जय बाबा करो। अच्छा मैं तुमको आवाज मार रहा हूँ अक्षत अक्षत। मैं जय बाबा कर रहा था। अरे यार हम जाएंगे सीधा। चल तो गाइस अभी हम जा रहे हैं माँ वैष्णो देवी की गुफा में। तो अक्षय देख लो कितना खुश है आज। अक्षय देख रहा आ जाओ बाबू। तो गाइस चलो यात्रा शुरू करते हैं माता वैष्णो देवी की। जय माता दी, जय माता दी, जय माता दी बोलो। जय माता दी, 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 जय माता दी। तो भाई देखिए कुछ इस तरह का नजारा है। चलो जय माता दी। ये खा लिया मैंने। चल 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 जय माता दी। हाँ। शाबाश। एक वाला था। चलो जय माता दी। पर दो वाले जय। मैं भी लकी हूँ अक्षत, मेरे को प्रसाद मिल गया। मथा टेको। तो गाइस ये है भैरव घाटी, यहाँ पे मथा टेको भैरव बाबा। चलो भी जय भैरव बाबा। साथ ही जाता अमरनाथ को रास्ता। तो जो लोग यहाँ पर रहते हैं उनको तो शायद पता होगा कि यहाँ पे कौन कौन से मंदिर है, लेकिन जिसको नहीं पता ना उनको भी बता दूँ कि यहाँ पे अलग अलग तरह के मंदिर हैं, जिसमें से एक ये अमरनाथ गुफा का भी बनाया हुआ है इन्होंने दरबार, जो कि बहुत देखने वाला है, बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ पे ऐसा लगता है जैसे रियल में भगवान भोलेनाथ के दर्शन हो गए। मानसिक तौर पे आप अच्छा लगेगा आपको। हाँ बेटा बोल लकी हो आप। चलो अरे वह मैं भी लकी हूँ, तू मेरे को मिला है। तो भाई ये है बहुत ही बढ़िया भगवान शिव का मंदिर, यानी कि अमरनाथ गुफा। अक्षत चल रहा है। हाँ आज नाइट ब्लॉगिंग चल रहा है गाइस। पापा नाइट ब्लॉगिंग चल रहा है। एक मिनट रुक जाओ। नाइट चल रहा है हमारा नाइट ब्लॉगिंग। हाँ चलो जल्दी जा। तो गाइस अक्षय तो खुश हो रहा है, लेकिन घर जाके ना आकृति और उसकी मम्मा बोलेंगे तुम लोग घूम घूम के आते हो और हमें नहीं लेके जाते। लेकिन मैंने आपको बताया ना जैसे कि गाड़ी की प्रॉब्लम हो रही है, चलो फिर भी देखेंगे अगली बार उनको भी लाएंगे, लेकिन उनको ना नवरात्रों में लेके आएंगे। जब नवरात्रे होते हैं ना तब यहाँ पे और अच्छी सी भीड़ होगी, अच्छा सा सजाया होगा दरबार, शायद यहाँ पे सारा कलर पेंट भी हो जाएगा, तो फिर उस टाइम पे आएंगे। ठीक है आपको भी दिखाएंगे फिर से। हम यहाँ पे आते रहते हैं, हमारा तो बिल्कुल लोकल ही है, 6-7 किलोमीटर में ही है। तो अक्षय देख लो। तो जय भोलेनाथ, हर हर महादेव, हर हर महादेव। भगवान भोलेनाथ आपकी मनोकामनाएं पूरी करे और आप भी दर्शन कर लीजिए। अक्षत को तो बहुत, अक्षत ने स्पीड पकड़ी हुई है। अक्षत तू तो फटाफट चढ़ के आ गया यार, मैं तो रुक गया यार, मैं थक गया यार। तो कुछ इस तरह का बना हुआ है यहाँ पे मंदिर, देखिए कितना अच्छा लग रहा है ना। यहाँ पे ना जैसे वो चीज़ बनाई गई है, जैसे वहाँ से भूति निकलती है ना भगवान शिव के मंदिर से, तो वही चीज़ यहाँ पे भी बनाई गई है। तो ये चीज़ मैं उनको दिखाना चाहता हूँ जो पहली बार देख रहे हैं, क्योंकि जो तो आते रहते हैं उनको तो सब पता है। तो कुछ इस तरह का ये बनाई गई है गुफा भगवान भोलेनाथ की। तो चलिए
मेरा तो जो यहाँ पे आने का था मेन, वो तो हो गया कंप्लीट कि हमने भगवान भोलेनाथ के भी दर्शन कर लिए और आपको भी करा दिए। और अक्षत आगे आगे भाग रहा है, देख लो पता नहीं कहाँ निकल गया वो, देखो अभी देखना पड़ेगा उसको। अक्षत अक्षत ये भाग गया, अक्षत अक्षत आ जा, भाग जाता है ये आगे आगे, ये बच्चा बिगड़ गया है। अक्षत देखो इसको पकड़ना मुश्किल है, भाग जरा आगे। ओए इधर तू क्या कर रहा है यार? पापा मैं तू सेकंड आया। अरे तू गुम हो जाएगा यार, सेकंड थर्ड टू फोर्थ। आ जा मैं फंस गया, टू फोर्थ आया। इधर आ जा, आ जा इधर, पापा टू फोर्थ आया। बस कर चुप, आई लव यू पापा। आई लव यू के बच्चे तू, मैं एक मिनट मैं बोलूंगा। हां गाइस मैं फंस गया, ये सेकंड थर्ड टू है फोर्थ। और गाइज मैं और अक्षता भी निकल रहे घर के लिए, ठीक है? हाँ, मैं फर्स्ट आया। तो गाइज आई होप कि आपको आज का ब्लॉग अच्छा लगा होगा, भगवान के मंदिरों के दर्शन अच्छे लगे होंगे। हमने सोचा था कि यहाँ पे भीड़ कम होगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है, पब्लिक आ रही है, मथा टेक रही है, आप देख सकते हो कितनी भीड़ है। और आ जा, और अक्षत का मैंने हाथ ही पकड़ लिया, आप घर जाके खाना चीजी। तो गाइज यहाँ पे मनोरंजन के लिए ना झूले वगैरह भी लगा दिए ताकि बच्चे जो है ना वो झूला झूल सके, इंजॉयमेंट कर सके। आजा, बहुत सारे शक्तिपीठ हैं, तो उसमें से एक ये भी है कृपा मालिनी मंदिर, यहाँ पे जहाँ पे चल रही है आरती। और ये है मेन देवी तालाब मंदिर। तो गाइस आप देख सकते हैं मेरे पीछे कितनी ज़्यादा भीड़ हो गई है, मतलब कि पब्लिक अभी भी आ रही है तो अच्छा लग रहा है। लेकिन अभी नवरात्रों में जाएंगे जब बहुत ज़्यादा भीड़ होगी और बहुत अच्छे से मंदिर सजाया होता है इन्होंने, तब आपको फिर से दर्शन कराएंगे यहाँ पे आके। चलो फिलहाल के लिए अभी निकलेंगे सीधा घर, ठीक है? हाँ चला जाओ, ब्लॉग एड कराओ, आ जाओ आए पुत्र। तो गाइस आई होप कि आपको देवी तालाब वाला ब्लॉग बहुत ही ज्यादा पसंद आएगा, अगर पसंद आया तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना, अगर चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो तो प्लीज सब्सक्राइब कर देना। हम मिलेंगे आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए। तब तक के लिए बाय बाय गाइस। और टाउन का